जैसलमेर में पर्यटन सीजन का आगाज हो चुका है और पर्यटन सीजन के आगाज के साथ ही लगातार भारी संख्या में यहाँ पर लोग स्वर्ण किला और जैसलमेर नगरी देखने आए। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में सोनार किला और सम के मखमली घोड़े, यह एक फेमस स्थान और यहाँ पर देखने लायक है। अभी हम फिलहाल खड़े हैं सोनार किला पर, जो सोनार किला विश्व विख्यात और यहाँ पर एकमात्र किला है जहाँ पर लोग बसते हैं। और यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर किस तरह से भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, जो कि साफ दर्शाता है कि इस बार किस तरह से पर्यटन व्यवसाय को एक नए पंख लग गए हैं। इसके बाद वो पर्यटक जाएंगे मखमली धोरों का एक्सपीरियंस करें। न्यू ईयर ईव के साथ ही यहाँ पर पर्यटन सीजन का आगाज हो जाता है और पर्यटन सीजन पर यहाँ पर भारी बंपर होते हैं। जो पर्यटक हैं वो मखमली धोलों पर जाकर वहाँ का आनंद लेंगे और वहाँ पर होने वाले जो कैंप और रिसॉर्ट्स हैं उनकी जो बात करें तो 90% बुकिंग उनकी ऑलरेडी हो चुकी है, ऑलरेडी बुक है। और इसके अलावा जो फ्लाइट्स हैं वो भी 90% ऑलरेडी बुक हो चुकी है। तो 31 तारीख को देखते हुए जैसलमेर में भारी पर्यटक की आवक का अंदाजा लगाना बिल्कुल सही है। सर्वज्ञ पाटिल, मैं गोवा से आया हूँ। राजस्थान का एक 8-10 दिन का टूर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम बहुत ही अच्छा है, ठंडा मौसम है और बहुत सारे किले देखने लायक किले हैं। इसकी पिंक सिटी है, ब्लू सिटी है, गोल्डन सिटी है। आज हम इधर राजस्थान के किले में आए हैं और जैसलमेर किले में आए हैं। बहुत ही अच्छा किला है, गोल्डन किला है और जो मेंटेनेंस बहुत अच्छा हुआ है इधर का। आपने जो ये राजस्थानी ड्रेस पहनी है, राजस्थानी ड्रेस पहन के स्पेसिफिक पहन के क्या कैसा लगा? हमने आज राजस्थानी ड्रेस पहना है, बहुत ही अच्छा, जैसे कि राजपूत जैसे, राजकुमार जैसे लग रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। गोवा में समुद्र है, पानी है, तो इधर रेती रेती है, रेती का समुद्र है ऐसा लग रहा है और बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। जरा थोड़ा क्लीनलीनेस हो जाए क्योंकि अब इतना चार्जेस ले रहे हैं, टूरिज्म सीजन हो रहा है। अच्छा पार्किंग और जरा जैसे कि प्लास्टिक या कचरा पानी जो है वो जरा अच्छा हो जाए तो और भी मज़ा आ जाएगा ऐसा मुझे लगता है। विजय मानसिक, कहाँ से आए सर? उन्हें सर आए जैसलमेर, देखा आज आपने सोनार किला देखा है, कैसा लगा? देखिए किला तो बहुत अच्छा अच्छा चीज़ों करके रखा है। जी जी, क्या कमी लगी आपको? कमी ये है कि मैनेजमेंट थोड़ा मिसमैनेज है, यानी कि पीठ को काबू करना या साइन लैंग्वेज नहीं, साइन बोर्ड नहीं कि वो यहाँ से बाहर निकलो, क्योंकि क्या होता है कोई लोग अंदर से आते हैं कोई बाहर से जाता है। सफाई व्यवस्था को लेकर? सफाई नहीं, वो क्लीन है। और अब इसके बाद क्या प्लान है, क्या देखने जाएंगे? अभी जा रहा हूँ, हम जा रहे जोधपुर जाएंगे। सम के दौरे होके आ गए या डेजर्ट जाएंगे या डेजर्ट नहीं? डेजर्ट करके कैसा रहा? कैसा रहा वो? अच्छा, ओवरऑल अच्छा कल्चर और हेरिटेज अच्छा। जाओ, किन किन लोगों के साथ आए हैं? पूरी फैमिली है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम है डॉक्टर सपना मराठे। हमारी स्वर्ण नगरी देख के, जैसलमेर देख के कैसा? बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह एवरीथिंग इज ओके। जब भीड़ होती है ना थोड़ा मैनेजमेंट करना चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं है। सीजन का भी अच्छा है और सीजन भी अच्छा है, फूड भी। थैंक यू। मैं पर्यटन सीजन आगाज पर है और इसी के साथ ही जैसलमेर में काफ़ी संख्या में भारी पर्यटक आ रहे हैं। इसी के साथ ही जो जैसलमेर होटल्स हैं और फ्लाइट्स की है वो बुकिंग लगभग 90% फुल हो चुकी है। इसको लेकर हमारे साथ हैं अविनाश मिश्रा, जो कि एक पर्यटक व्यवसायी है। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि किस तरह से इस बार जो पर्यटक है उनका रिस्पॉन्स है और किस तरह से आप इस सीज़न को देखते हैं। नववर्ष का जो आगाज है, जो हमारे पर्यटकों ने ऑलरेडी 2 महीना पहले ही इसका प्री बुक करा चुके हैं, ऑलरेडी सोल्ड आउट है। और जो भी नव आगंतुक आते हैं उनको यही बोलते हैं कि आप प्री बुक कराइए तो आपको ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो कि पिछले 2 वर्षों में जो हमने कोरोना की महामारी झेली है, तो इस बार हमें पर्यटकों में काफ़ी खुशी की लहर है और हमारे हर जगह सोल्ड आउट्स के साइन बोर्ड लग चुके हैं। पर्यटकों का क्या कैसा रिस्पॉन्स है और जो जैसलमेर सिटी देख रहे हैं वो कैसा फीडबैक दे रहे हैं? हाँ, वो जो हमारा यहाँ की कहावत है पधारो हमारा देश, तो उसी हिसाब से जो भी पर्यटक आ रहे हैं वो एकदम जैसलमेर स्वर्ण नगरी को निहारते हुए। 1000 करोड़ के पार इस बार ये पर्यटक व्यवसाय जाएगा और जो पर्यटक कर्मी हैं उनके चेहरों पर खुशी भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। मैं मेरे साथी आसकंड सिंह के साथ पुष्पेंद्र बोहरा, जैसलमेर।